Good morning to you all. Myself, Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar, chapter number 5, cases of noun and pronoun. Please listen carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को English grammar का chapter number 5, cases of noun और pronoun के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे केसेज ऑफ नाउन क्या होते हैं। पहले हम उसे देखेंगे। केस मीन्स होता है कारक। कारक केसेज ऑफ नाउन्स। द केस ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स इट्स रोल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यानी वह जो नाउन का जो रोल, वह इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम केसेज ऑफ नाउन कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केसेज। यानी केस कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक, पॉजेसिव केस मीन्स कर्म कारक एंड सॉरी ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक एंड पॉजेसिव केस मीन्स अधिकारक कारक। अब देखते हैं नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। ए नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी जब नाउन एक सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो वहाँ पर हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में काम करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे हम उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मिस्टर रहमान इज एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। यानी मिस्टर रहमान क्या है, एक बुद्धिमान अधिकारी है, यानी बहुत ही चालाक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। यानी जो कर्ता से, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और यह केस ऑफ नाउन है, तो यहाँ पे कर्ता के रूप में नाउन होना चाहिए। फिर अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। नाउन्स सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ़ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इफ़ दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोजिशन। यानी ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, यानी जो कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, या वे प्राय प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे केस को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई मेट योर फादर इन लॉ। आई मेट, मैंने मिला किससे, योर फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ यानी आपके फादर इन लॉ से, यानी आपके फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। तो अब यहाँ पे फादर इन लॉ क्या है, फादर इन लॉ ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। अब उसके आगे देखेंगे हम पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है। ए नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप। यानी पॉजेसिव केस मीन्स होता है अधिकारक कारक, यानी वह कारक जिस पे अधिकार प्राप्त हो, अपना स्वयं का हो। जैसे दिस इज सनास पेंसिल, यानी यह सना की पेंसिल है। यानी उस पेंसिल पे किसका अधिकार है, तो सना का अधिकार है। तो इस प्रकार से अधिकार बताने वाले कारक को हम पॉजेसिव केस कहते हैं, अधिकारक कारक कहते हैं। यह स्वामित्व को या अधिकार को दर्शाता है। अब ठीक ऐसे ही देखेंगे केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन में बस और नाउन में यही डिफरेंट है कि जहाँ कहीं भी
केस ऑफ नाउन में नाउन का प्रयोग होता है और केस ऑफ प्रोनाउन में यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे उसके डिफिनेशन सेम है, बट नाउन में नाउन का प्रयोग और प्रोनाउन में प्रोनाउन का प्रयोग। देखते हैं, कोई बात नहीं। ए नॉमिनेटिव केस, ए प्रोनाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी एक प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है यदि वह सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। जैसे यानी सब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे सी इज ए डॉक्टर। अब सी क्या है? प्रोनाउन है, तो इसको सी कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कर्ता कारक कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और इफ दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। सेम वही डिफिनेशन है, बस यहाँ पर दिखाना है। जैसे दिखाया गया है शी टेल्स देम द न्यूज। अब यहाँ पे देम, शी टेल्स, यहाँ पे सी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और सॉरी सी नॉमिनेटिव है, लेकिन जो देम शब्द आया है, देम देम शब्द, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब आगे देखेंगे पॉजिटिव केस। ए प्रोनाउन इज सेड टू बी इन पॉजिटिव केस इफ इट डिनोट पोजेशन और ओनरशिप। यानी पॉजेसिव केस भी ठीक वैसे ही है, अब बस इसमें नाउन का चेंजेज है, नाउन चेंज होकर के प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी वह प्रोनाउन जो अधिकार बताते हैं, जो अधिकार को प्रकट करते हैं, उन्हें हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, यानी यह कलम मेरा है। तो अब यहाँ पर माइन क्या है? पॉजेसिव केस का काम कर रहा है, यानी पॉजेसिव अधिकार बता रहा है, पोजीशन को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का इस वीडियो में मैंने केस को बताया, और आप इसे अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।